एक गांव में एक पंडित रहता था। वो सरस्वती माता का भक्त था। एक दिन वो अपने मंदिर में सरस्वती माता की तपस्या करने के लिए गांव से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पंडित तपस्या में लीन हो गया। काफी हवाएं चलने लगी, बारिश हुई, धूप हुई, पर पंडित की तपस्या भंग नहीं हुई। सरस्वती माता उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? पंडित बोला, माता आपके दर्शन हो गए, इतना ही काफी है। माता बोली, फिर भी मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। पंडित ने काफी सोचने के बाद माता से संजीवनी बूटी मांगी। माता उसे संजीवनी बूटी देते समय उसे बताती हैं कि किसी भी मृत आदमी या किसी मृत जानवर पर संजीवनी बूटी का रस छिड़क दोगे तो वह जिंदा हो जाएगा। पंडित संजीवनी लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में वो सोच रहा था कि मैं इस संजीवनी से मृत्यु पर विजय पा लूंगा, हमारे गांव में कोई दुखी नहीं होगा, सब मुझसे खुश होकर हो सकता है मुझे सरपंच भी बना दें। पंडित कुछ आगे बढ़ता है, तभी उसके मन में ख्याल आता है, कहीं ये संजीवनी नकली तो नहीं। पंडित इसे प्रयोग करके देखना चाहता था। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक मरा हुआ शेर दिखाई देता है। पंडित सोचता है, चलो इसी पर देखते हैं। शेर के ऊपर संजीवनी का रस छिड़कता है तो शेर जिंदा हो जाता है। शेर में अब पहले जैसी ताकत आ जाती है। शेर पहले भूख की वजह से मरा था तो उसे भूख लगी थी। शेर पंडित को देखकर जोर से दहाड़ता है। पंडित सोचता है, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने तो शेर को जिंदा कर दिया, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा सोचकर पंडित भागने लगा। शेर उसे खाने के लिए दौड़ा। पंडित ज्यादा भाग नहीं पाया और शेर ने उसे मार के खा लिया। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना बेहद जरूरी है और हमें कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। नमस्कार।